तुम तो पहले ही सोने चले गए, तब ये तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, बस थोड़ी नींद आ रही है। क्या तुमने ब्रश किया? हाँ, सुबह ही किया था। गुड नाइट हेनरी। बाय हेनरी। बाय मम्मी। मेरे रास्ते से हटो कीड़े। तुमने कुछ गिरा दिया हेनरी। ये मेरा है। क्या तुमने कोई चिट्ठी लिखी है हेनरी? मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या बोरिंग कर दूँ? हेनरी, हमारे बैंड को तोड़फोड़ परफॉर्मेंस देने का मौका मिल गया है। कूल। कहाँ? मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी में। वाह, ये तो बहुत कूल है, पर क्या उन्हें हमारा बैंड पसंद है? पसंद नहीं है तो पसंद करने लगेंगे, नो टेंशन। अच्छा, तो इस भोंदू हेनरी के बैंड को अपना पहला शो मिला है और उनके पास उनका मेन सिंगर ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर इसको इससे माइनस कर दें है? तो आज रात को मेरे घर पर बैंड प्रैक्टिस, ठीक है? मैं आज रात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ओ प्लीज मिस, हेनरी बक बक कर रहा है। हेनरी, क्लास के बाहर जाओ। पर मैं तो बाहर अभी। ये आज रात को बैंड प्रैक्टिस में नहीं आ सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब उसे जल्दी सोना होगा और गाना गाना बंद करना होगा। सच में? बेचारा हेनरी। ओह, बहुत बड़ी बीमारी है, पता नहीं कब ठीक हो पाएगा वो। बस मेरे दादाजी के बर्थडे तक ठीक हो जाए, वरना पहला शो नहीं हो पाएगा। तो समझ लो, गया तुम्हारा शो पानी में। पर टेंशन मत लो राल्फ, मैं ढूंढूंगी नया मेन सिंगर। सच में? और नहीं तो क्या, मैं हूँ ना। ओ हाँ, और हेनरी नहीं चाहता कि उसकी बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो अपना मुंह बंद रखना, समझाई? ओ, तुम यहाँ हो राज? मैं आज रात प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता क्योंकि हेनरी है, मुझे सब पता है। ओके कूल, लेकिन बर्थडे वाले दिन में जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ पता है हेनरी, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। ए लड़को, अपने नए मेन सिंगर से मिलो। लेकिन कौन? मैं गधो। बैंड प्रैक्टिस ठीक 6 बजे शुरू हो जाएगी मेरे ट्री हाउस पर, और 1 मिनट की भी देरी मुझे पसंद नहीं। ठंड रखो दोस्तों, मैं बताता हूँ। जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। हैं? या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ, वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता। राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी, क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो। क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं, क्यों? डियर मिस्टर रॉकस्टार, 1 हफ्ता होने को आया है और आपने अब तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आप सिर्फ मुझे मेरे होमवर्क के बारे में बता दीजिए। अगर दांत ब्रश करने के बारे में नहीं बताना है तो मत बताइए। आपका बहुत ही दुखी हेनरी, जो आपका सबसे बड़ा फैन था। तो चलो शुरू करो शुरू से। 1 और 4। मैं हूँ एक रॉक स्टार। लगता है माइक में कुछ खराबी है। मार्गरेट, क्या मेरे दादाजी के बर्थडे में 3 दिन ही बचे हैं, तो मैं क्या अभी से नाचूं? क्या तुम्हें लगता है हम परफॉर्म कर पाएंगे? बेशक हम जरूर परफॉर्म करेंगे।
हेनरी, स्कूल जाने का वक्त हो गया। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता मम्मी। आज क्या बहाना बना रहे हो तुम? मुझे खांसी है। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो हेनरी, पर प्रैक्टिस की जरूरत है। स्कूल में आग लग गई है मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। चुप कर कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पाँव टूट गया है। कितना दर्द कर रहा है। बेचारा हेनरी। मुझे पता है आज इंजेक्शन डे है हेनरी, और तुम स्कूल जरूर जाओगे, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, समझे? अब मुझे देखने दो, टूटा हुआ पाओ। तुम आराम से लेट जाओ हेनरी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ पीटर, तू जरूर मेरी मदद करेगा। पर मुझे आज तुम बनकर स्कूल में नहीं जाना है। तुझे बड़े लड़कों के ग्राउंड में खेलने को मिलेगा। सच्ची? तुझे बड़े बच्चों की क्लास में बैठने भी मिलेगा पीटर। तो? और बहुत सारा मैथ्स होमवर्क मिलेगा। ओ ये भी! मुझे मैथ्स होमवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर अगर मैं तुम बनकर गया तो मुझे तुम्हारे बदले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर सोचो कितना मैथ्स होमवर्क मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये काम आएगा। आएगा, जरूर आएगा। हेनरी, पीटर। सच बोला तू, ये सच में काम नहीं आया। ये इंजेक्शन दांत तो नहीं छोड़ेगा ना? मेरे हाथ कितने सुंदर है, मुझे उन पर कोई मार्क वर्क नहीं चाहिए। इंजेक्शन को नस में नहीं लगना चाहिए, इससे खून बहुत बह जाता है। गैंग्रीन हुआ तो हाथ भी काटना पड़ता है। सोचो कितना भयानक है। ओह प्लीज, एक छोटी सी सुई तो है। हाँ, एक छोटी सी सुई। मुझे मत चुनो, प्लीज मुझे मत चुनो। विलियम, अब तुम्हारी बारी। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, बचाओ। रोना बंद करो विलियम, सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है। हाँ, रो तोड़ू कहीं का। मैं तो कभी भी नहीं रोऊंगा। मैं नहीं, मैं टफ और स्ट्रांग हूँ। मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मार्गरेट। मुझे तेरी चीख सुननी है मार्गरेट। इंजेक्शन डे में एक ही चीज मजेदार होती है, मार्गरेट की चीख सुनना। अब कभी भी चीखेगी क्या? हाँ, मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सुई कभी नहीं देखी। तू मुझे डरा नहीं सकती। मेरे हाथ से भी लंबी है। लंबी है तो क्या हुआ हेनरी? नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मुझे भी। मुझे भी। आउच। भागो सब लोग, भागो, अपनी जान बचाओ। छुपे रहना सुसे।
पड़ेगा जोर से। अब सब बच्चों अंदर चलो, जोकर अपना शो शुरू करने वाला है। एक और बदमाशी करोगे तो तुम दोनों का केक कैंसिल हो जाएगा। केक कैंसिल? हाँ, केक नहीं मिलेगा। अब चलो अंदर सबके साथ। नौटंकी जल्दी से खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, मैं हूँ कॉलिन जोकर। तो बर्थडे बॉय कहाँ है? वो क्या है? ये एक शेर है। जल्दी दूर करो उसे, मुझे शेर पसंद नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मुझे शेर से डर लगता है। तो चलो अब वक्त हो गया है जादू दिखाने का। वेरी गुड, चलो केक खाएं। ये जल्दी क्यों नहीं करता, मुझे केक खाना है। अब बच्चों हो जाओ तैयार देखने के लिए गायब होने वाला दूध। दूध गायब हो गया। टेंशन मत ले यार, ये रहा तेरा दूध। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। लेकिन मॉम मैंने कुछ भी तो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, तो बच्चों तैयार हो जाओ गायब होने वाले केले के लिए। होगा कुछ अजब जब होगा ये केला गायब। कोई बताएगा केला कहाँ गया? यहाँ पर है। मॉम अब तो केक खा सकता हूँ। एक बार और बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। हेनरी तुम बहुत होशियार हो, अगली मैजिक ट्रिक में तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बनते हैं? क्या? गायब होने वाले इस बॉक्स के साथ। तो बच्चों इस वक्त मैं होशियार लड़के को गायब करने जा रहा हूँ, देखिए। जल्दी करो, जल्दी करो। मजा आएगा। अंदर जाओ हेनरी। ठीक है, केक के लिए कुछ भी करूँगा मैं। अड़कम दड़कम दोम धड़ाका। नहीं होना चाहिए था, एक बार फिर से करते हैं। तरफे तर समुढ़ायो। आखिरी बार करके देखते हैं। इंगली पिंगली पो। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, शो फिर से चालू होगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो केक कब खाएंगे? देखा तुमने, उसे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडिया, बर्थडे शेर। बच्चों सैंडविच खाने के लिए आ जाओ। ओ मामा, कितना मजा आ रहा है। और याद रखना, केक को हाथ भी लगाया तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम पे स्कर्ट बहुत जचता है हेनरी। चुप बैठ सड़ेली। चाबी के बिना वो कैसे छूट पाएगा। चलो बच्चों जल्दी अंदर बैठो, शो शुरू ही होने वाला है। मैंने अपना काम कर दिया, तूने तेरा किया। हाँ, जैसा कि तूने कहा था वैसे ही। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर कॉलिन। मुझे कैद करना नामुमकिन है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं अच्छा नहीं बना तो वो मेरा किला तोड़ देंगे। ओ बेचारा। ओ हाँ,
और उस जगह में घास फूस उगाएंगे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बुरा। क्योंकि घास फूस भी तेरी घटिया गैंग में नहीं आना चाहेंगे। तेरे गरीब फटीचर चंद क्लब से तो मेरी पर्पल हैंड गैंग ज्यादा अच्छी है। सब जानते हैं पर्पल हैंड गैंग सबसे बेस्ट है। ऐसी बात है तो तुम साबित करके क्यों नहीं दिखाते? तो ऐसी बात है क्या? मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे चैलेंज कर। ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। मैं आज ये घोषणा करती हूँ कि आज बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। ये फैसला करने के लिए कि कौन है सबसे सबसे बेस्ट द सीक्रेट क्लब। हुर्रे, सबसे बेस्ट पर्पल हैंड गैंग। हुर्रे। हेलो बोल। डर गई क्या? लगता है वो चिल्लाने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और क्या लाया है तू? एक पॉइंट मिल गया सीक्रेट क्लब को। लास्ट चांस। अब जल्दी बोलो कि मेरा क्लब सबसे बेस्ट है। तुम्हारा क्लब एकदम बकवास है। बस इतना ही कर सकती है तू? नहीं, मैं इससे ज्यादा भी कर सकती हूँ। बस इतने ही। एक पॉइंट पर्पल हैंड गैंग को। हुरे! रेडी। आओ, हम सब रेडी हैं। अब गिनती शुरू करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। आगे क्या? गंद मचाओ टाइम। मेरा सबसे गंदा होने वाला है, सबसे याक। मेरा सबसे गंदा सड़ा हुआ और घटिया होने वाला है एकदम तेरी तरह मार्गरेट। वो क्या है? ये है मेरा सीक्रेट हथियार। नहीं फैंग हट। मेरा सीक्रेट हथियार। ये तुम्हारे लिए। ओह, मैं तो ये भूल ही गई। तू नहीं डालेगी तो मैं भी नहीं डालूंगा। मैं नहीं डरता। मैं भी नहीं डरती। इसे भूल जाते हैं। ठीक है। हेनरी? मट गए।
हाँ मम्मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी हेनरी। लगता किसी का पारा भी उठ गया है हेनरी। सच में वो लड़की तो कभी शांत नहीं रह सकती है। ओह बेचारा फैंग अपने सीसॉ पर ही सो गया है। चलो इसके पिंजरे में से रख देते हैं। बेचारा फैंग, ये बाकी हैमस्टर से थोड़ा सा अलग है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा आज सैटरडे है तो कुछ काम करने का इरादा है ना? मन तो नहीं है। तो आज कौन से काम से शुरू करने वाले हो? शायद मैं। अच्छा आइडिया है हेनरी, आज के काम की शुरुआत तुम कपड़ों से करोगे। क्या क्या बात है फैंग? उन्होंने सही कहा। मेरा मतलब, पहली बात तुम दिन में नहीं सोते हो, तुम भी मेरे तरह बिस्तर पर सोते हो। तुम एक चैंपियन कॉमिक कलेक्टर हो और तुम कमाल का निशाना भी लगाते हो। और घर के काम में मेरी मदद भी कर लेते हो, है ना? तो फिर इंतजार किस बात का फैंग? चलो कपड़े धोते हैं। हेनरी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मम्मी, कपड़े धोने डाल रहा हूँ। ओह शाबाश मेरे फैंग। हेनरी जल्दी करो, डांस क्लास जाने से पहले पीटर को दांत ब्रश करने हैं। क्या मुसीबत है, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी आया मम्मी। जा मेरे लाडली। अभी आया मामा। हेनरी क्या है चमचे? ये सॉक्स गंदे हो चुके हैं। तो इसे धोने के लिए डालना है। तो वो तुम्हारा काम है ना हेनरी? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मामा हेनरी मेरे सॉक्स खा रहा है। बस हेनरी बहुत हो गया, हमारे आने से पहले ये सारे के सारे सॉक्स पेयर्स में होने चाहिए। पर अभी जाओ हेनरी, नहीं तो। नहीं तो क्या मामा? एक पूरा हफ्ता नो टीवी। एक महीना? हाँ एक साल तक, ये मजाक नहीं, इसलिए बच कर रहना हेनरी। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्लास के लिए देर हो रही है। मैं बस यू गए और यू आया मामा। ये ये ये। पर मम्मी, NO का मतलब ना होता है हेनरी। इन्होंने तो कुछ पूछे बिना ही मना कर दिया। क्या ये कैसे दिन आ गया है? मेरे चारों तरफ मोजे ही मोजे हैं और एक पूरे साल के लिए नो टीवी। इस बार हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई ना फैंग। इस बार बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्यों है ना फैंग? पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? ओह प्लीज फैंग, तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लगता है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये काम तो मुझे आसान लग रहा है। ये तो बहुत मुश्किल है, क्या जरा सी मदद मिलेगी? नहीं नहीं मिलने वाली। लोग सॉक्स क्यों पहनते हैं? फियरलेस फैंटम सॉक्स नहीं पहनता होगा, पहनता होगा तो उसके सॉक्स को और ढंग से रखता होगा। हे मुझे शायद वो काम मिल जाए तो कितना मजा आएगा। शायद नहीं। हम आ गए। हे देखो फैंग, देखो मैंने कर दिया लगभग। हेनरी
ही मामा ने कहा। भागो यहाँ से कीड़े, दिखता नहीं मैं बिजी हूँ। मामा ने कहा उन्हें कोई फर्क। क्या? उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ। हेनरी, तुम तुम्हारा होमवर्क कर रहे हो? हाँ, देखो। होमवर्क करने के 100 तरीके वेबसाइट। ओ हेनरी, तुम सच में होमवर्क कर रहे हो। वेरी गुड हेनरी, तुम जरूर फर्स्ट आओगे। तो ये है होमवर्क ना करने के 100 तरीके वेबसाइट। मुझे यही तो चाहिए था। चलो कुछ सिलेक्ट किया जाए। और इस बार का क्या बहाना है? मिस, मैंने आधा होमवर्क कर लिया था कि मेरा ध्यान भटक गया। ये तो मुझे पता ही था। और ये इस बार कैसे हुआ मैं जान सकती हूँ हेनरी? मिस, मैं बहुत ही गहरी सोच में चला गया था। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है। आप कहे तो मैं इस बारे में बता सकता हूँ मिस। नहीं हेनरी, अभी नहीं। पर मुझे खुशी है कि तुम कुछ तो पढ़ रहे हो, कम से कम। तो हेनरी, कल रात को भी किसी ने तुम्हारा ध्यान भटकाया क्या? हाँ मिस बैटलैक्स। सुनाओ सुनाओ। सबसे बड़ा सवाल, पहले मुर्गी आई या अंडा? हाँ, और इसका जवाब मिला तुम्हें हेनरी? नहीं मिस, क्योंकि क्या कल रात भी फिर से वही हुआ? हाँ हाँ मिस। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स। इंटरग्लाइको क्या? इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स, कौन बता सकता है ये क्या है? मिस, कौन? मैं, ब्रायन मैं। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स मतलब जो आप हैं एक इंसान, वो क्या एक परिवार का हिस्सा है या फिर परिवार आपका ही एक हिस्सा है? गुड ब्रायन। मुझे खुशी है कि कोई तो है जो तुम्हारी टक्कर का है हेनरी। तो ये होगा आज का होमवर्क। कल सब बच्चे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स पर ऐसे लिख कर आएंगे। कल पहला पीरियड होगा इसी पे। रुको, मैं बताना भूल गई कि ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा जिस किसी ने ये होमवर्क नहीं किया। समझ गए? याद रहे, कोई भी नहीं बचेगा। ओह हेनरी, ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रैंड, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं पागल कद्दू कहीं की मार्ग्रेट। मुझे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ। और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं। कुछ समझ में आया घनचक्कर? और राफ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी अभी मार्गरेट क्या बक कर गई? तो मुझे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में सब कुछ बताइए। बड़े शौक से मार्गरेट। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स एक बहुत ही मुश्किल स्टडी है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई। यकीन नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग ने काफी रिसर्च की है और ये जानने को मिला कि जो दिन में होता है वो रात में होता है। मैं हूँ ना सबसे बड़ा सुपर कूल। आइए आपको अपनी क्लास दिखा दूं। हाँ रहने दीजिए, मुझे पता है। ये
एसिड रेबेका है। तो हेनरी कैसे हो चूजे? हेलो मिस रेबेका, तुम्हें इससे मिलकर खुशी होगी। ये है आर्ची, मेरा पेट स्पाइडर। मुझे सच में बहुत खुशी हुई हेनरी। पर नहीं हेनरी, बैठ जाओ। कोई और है जो कुछ कहना चाहता हो मुझसे? नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं मिस, मिस रैंसिड। नहीं मिस रैंसिड। लल्लू कहाँ जा रहे हो तुम? तुम मैं जाओ, तुम जाओ, तुम तुम और तुम जाओ, अब जाओ जाओ। वहाँ नीचे क्या कर रहे हो हेनरी? जमीन साफ कर रहा हूँ, दिखता नहीं क्या लूजर? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हेनरी, ये देख के शायद तुम्हारी न्यू टीचर तुमसे खुश हो जाएगी। बकवास करना बंद करो कीड़े कहीं के। अच्छा, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं चला अपने रास्ते, बाय। ला 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 बारे में क्या करने वाले हो? किस बारे में? तुम्हारी पुरानी बेबी सिटर है ना? वही जो अब हमारी टीचर है। हाँ है, पर मैं क्यों कुछ करूं? क्योंकि क्योंकि क्या? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण मिस बैचलेक्स छुट्टी पर चली गई और हम रह गए अकेले उस राक्षस के साथ। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि रेबेका को अब स्पाइडर से डर नहीं लगता? मुझे लगा था डर जाएगी। तो नहीं डरी है ना? तो अब जल्द से जल्द सोचो कि उसे कैसे भगाना है, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो वो भी तुम्हारी ही गलती होगी। हर चीज मेरी गलती कैसे होती है? क्योंकि तुम करते ही ऐसा हो। प्लीज मिस, प्लीज मिस, प्लीज मिस, क्या आप हमें कुछ पढ़ाएंगे भी? तुम एक बदमाश हो और मुझे बदमाश बच्चे पसंद नहीं है। क्योंकि मिस, अगर आप हमें नहीं पढ़ा रही हैं, तो क्या मैं प्लीज लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करूं? तुम सब के सब बदमाश हो, अब जाओ। डरावने बदमाश। तो मिस रैंसिड, कैसे चल रहा है उन बदमाश बच्चों के साथ? ठीक ठाक ही है। वो कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, है ना? फालतू में डराओ मत, मैं किसी से भी नहीं डरती। अच्छा? हाँ। मजाक कर रहा था। Come in. मैंने बुकशेल्फ साफ कर दिए और किताबें ठीक से रख दिए मिस लवली। ओह पीटर, थैंक यू, तुम तो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे स्टूडेंट हो। ला 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 ला। मिस रैंसन, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ अब। है? अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? भाग यहाँ से पागल कहीं के, हमारा एक प्लान है। प्लान से क्या मतलब है तुम्हारा? उस डरावनी टीचर को भगाने का प्लान कर दो। पर जाओ। बाओ। पीटर, मेरा प्यारा मुन्ना बेबी, ये कितना प्यारा गिफ्ट है। हैप्पी मामास डे मामा। हेनरी,
एक मिनट में आता हूँ। थैंक यू पीटर, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओह वावी, मुझे पता था मामा। हेनरी। हाँ तो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कल के डैडी के साथ एक दिन बिताओ वाले पिकनिक के बारे में तुम एक्साइटेड हो ना? ओह हाँ, बहुत ही ज्यादा। क्या हेनरी भी वहाँ आएगा? हेनरी। देखेंगे। हाँ वावी, इसका मतलब वो नहीं आएगा। ये! वाओ कितना मजा आ रहा है, सिर्फ पापा और मैं जा रहे हैं डैडी के साथ एक दिन बिताओ वाले पिकनिक में, एक परफेक्ट दिन। आई होप सब कुछ ठीक है। सब ठीक ही होगा अगर आप चुपचाप स्ट्रेट चलें और रास्ते पर ध्यान दें। आप जानते हैं कि यहाँ के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं। ओह हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे के जंक्शन से लेफ्ट लीजिए। ओ, शायद हम गलत जगह आ गए। सॉरी, मेरा मतलब था कि राइट लीजिए। हा हा। वाह, अब हम लेट पहुंचेंगे। लेफ्ट लीजिए। राइट लीजिए। लेफ्ट। राइट। यही सही जगह है। पापा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जगह मिलते ही यू टर्न ले लीजिए। क्या मतलब जहाँ जगह मिले वहाँ यू टर्न ले लो? मतलब कि आप, मतलब मैं समझता हूँ, जगह मिले वहाँ यू टर्न ले लीजिए। पापा हम पहुँच गए या नहीं? पता नहीं बेटा, मैं तो कहाँ जाना है ये भी ठीक से नहीं जानता। इनविटेशन कार्ड पर क्या लिखा है पीटर? एक सीक्रेट जगह पर, बिल्कुल सीक्रेट पोस्ट कोड के पास, 2/4 पतली गली। और भी कुछ लिखा होगा? हाँ, नीचे कुछ और भी लिखा है। लिखा है, तैयार रहना खेलने के लिए, पेंट फाइटिंग। पेंट फाइटिंग? तुम्हारा चेहरा देखने लायक था जब मैंने वो पहला शॉट मारा। शॉट? हाँ, हम तो उसे शॉट ही कहते हैं। शॉट। तुम इस गेम के रूल्स नहीं जानते क्या? हाँ, सही कहा। तो गेम शुरू करें। और कोई नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल नहीं, तुम अकेले ही इतने भोंदू निकले कि मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। हाँ, और मुझे तुम जैसे भोंदूलो कभी कभी पसंद है, इसीलिए अगले हफ्ते सबसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मैं तुम्हें ही दूंगा। सच में? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम बच गए तो। एक मिनट सुनिए। वो कहाँ चले गए? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद पता लगा लो। पता है इसमें क्या करना है? हमें छुप छुप कर उन्हें पकड़ना है। पीछे से जाओ और उनकी बंदूक छीन लो, जाओ। आपको ये सब कैसे पता पापा? मैंने एक फिल्म में देखा था। ओह अच्छा। अब हम क्या करें पापा? बाप रे, भागो! शायद वो लोग निकल गए। अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने फाइटर वाले वीडियो गेम में एक निंजा को ऐसे करते हुए देखा था जब वो बुरे आदिवासी से बचने की कोशिश कर रहा था। ओह, क्या वो बच गया? नहीं, पर कोशिश तो कर सकते हैं। मिस लवली तो हमेशा यही कहती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही कहा पीटर, चलो कोशिश करते हैं।
कहाँ है वो? वो आएगा आएगा, थोड़ा सब्र रखो। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मार्गरेट चाहती है कि सब देखे तुम्हें और फैंक को शर्मिंदा होते हुए। बहुत बढ़िया, चल मेरे दोस्त, अपनी इज्जत का सवाल है। जल्दी करो, शुरू करते हैं। तेवर तो देखो इनके, जंग शुरू की जाए। जाओ मेरे शेर। वो क्या है? ये वो मेरे दोस्त एक बुली पुली है। सच में सिंक्रोनाइज स्विमिंग नहीं कह सकते। फैंग, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है यार। ओ, मैं ये नहीं देख सकता। फिक्र मत करो। होता सिलेक्शन मिस कर रहा हूँ। मैं भी हेनरी, एक मौका था वो भी गया हाथ से। अच्छा तो अब क्या करने वाले हो तुम लोग? बक बक बंद सड़ेली, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तुम्हें, वो तुम हो जिसके कारण हम सब के सब फंस गए हैं। सुनाई नहीं देता बक बक बंद सड़ेली। प्लीज मिस हेनरी बात कर रहा है। थैंक यू मार्गरेट, चुगली करना बंद करोगी वो भी तब जब तुम भी बात कर रही थी। वाह वाह मार्गरेट, आई थी बड़ी चुगली करने, चुप रहो। प्लीज मिस राल्फ भी बात कर रहा है। फिर से थैंक यू मार्गरेट, अब ये तुम दूसरी बार बोली हो। अब क्या करने वाली हो मार्गरेट? चुप कर सड़े हुए करेले। मुझे सिर्फ कम दिखाई दे रहा है पर मैं सब कुछ सुन सकती हूँ एल। ओप्स मार्गरेट, तुम तीन बार बोल चुकी हो। इतनी जल्दी भी क्या है? मार्गरेट, एल, रेल्फ और हेनरी यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हो। आ, आ, आ,
तुम सब में से बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैं। थैंक यू। तो सुनो, आज तुम सब के सब यहीं रहोगे सारा का सारा दिन। साइंस लैब जाओ अभी। अटेंशन, मिस बैटलैग्स आ गई है। थैंक यू मिस्टर सॉगिंगटन। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस ऑडबॉर्ड ने कहा है कि आज दोपहर को एश्टन एथलेटिक जूनियर टीम फुटबॉल ट्रायल्स को मैं जज करूँगी और आप जाकर मेरा चश्मा बनवाएंगे। तो अब जाइए मिस्टर सॉगिंगटन। ओके मिस बैटलैग्स, मैं अभी आया। ये कैसे जज हो सकती है? ये तो एक लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं मार्गरेट, मैं सिर्फ थोड़ा दुखी हूँ। दुखी तो हम भी हैं सर, हम भी तो मिस कर रहे हैं। हाँ, और हमने तो मिस बैटलैग्स का चश्मा भी नहीं तोड़ा था। ये तो तुमने सही कहा मार्गरेट, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं बताऊंगी हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ तो जरूर करेंगे। शुरू हो गई बकबक। तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना? अगर हमने तुमसे बात की तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। चुप करो रोटलू, तुम्हें पीटर तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना है, समझे? मैं पीटर को मैसेज नहीं दे सकता हूँ। लगाऊं क्या दो झापड़? यहाँ आओ और सुनो मेरी बात। हम तुम्हारे लिए मैसेज लाए हैं पीटर। अच्छा, क्या है बोलो। अब हेनरी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मुझे नहीं सुनना है। पर हमें बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने मैसेज नहीं सुना। कौन मारेगा? हेनरी। फिर भी नहीं सुनना। पर मार्गरेट, ये हुई ना बात। बस तुम्हारा चश्मा बनवा नहीं जा रहा था बेटी। थैंक यू सो मच सॉगी। एक्सक्यूज मी। बाहर निकलो शैतानों की सेना, भाग जाओ सब। थैंक्स कद्दू। ये मैंने मार्गरेट के लिए किया। क्या भाई है? बस आपका इंतजार था मिस लवली। पिकनिक पैकेट चेक। पिकनिक बैग लिया है पापा। हेनरी तुम्हें चेक बोलना चाहिए। चेक की सन अम्ब्रेला, वो तो किचन में ही रह गया। मैं ले आया पापा। टिडली विंग्स लेकर चले, अगर बोर हो गए तो काम आएगा ना। मैं तो बोर हो चुका हूँ कीड़े, मैं कोई टिडली विंग्स नहीं लेने वाला, समझे? ओह, क्या वो टमाटर है? अच्छा, हाँ वो। क्या स्वाद है। चबाओ ना, चबाओ। वही तो कर रहा हूँ कीड़े। जल्दी करो बच्चों। आ रहे हैं पापा। बकवास कीड़े। हेनरी। आया पापा। ए हेनरी, अल्लाह मैं ये लेता हूँ। बदबूदार बच्चे, तुम कुछ सामान नहीं ले सकते क्या? मैंने भी लिया तो है हेनरी, मैंने टिडली विंग्स लिए हैं। बकवास टिडली विंग्स,
कितना सारा सामान उठाया कि अब जल्दी चलो हेनरी। क्या हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा हेनरी। तो क्या हम गाड़ी से जा रहे हैं? नहीं। मुझे पता था। आज हमारा ताज़ा हवा खाने का दिन है हेनरी, याद है ना? आप भूलने कहाँ देते हैं। आखिर पहुँच गए। हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है। ताज़ा हवा की खुशबू। यहाँ थोड़ी बदबू है पापा। हाँ पीटर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो देखो, वो जगह सही है। अरे कोई तो मेरी मदद करो इसे उठाने में। किसी को पड़ी नहीं है। आप ही बताओ, आप मेरी मदद करेंगे क्या? मतलब नहीं, थैंक्स अ लॉट। पापा तुम्हें जल्दी बुला रहे हैं हेनरी, हमने अच्छी जगह ढूंढ ली है। ये बैग काफी भारी है। हेनरी किससे बात कर रहे हो तुम? इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम चुपचाप चलते रहो, बढ़ाया पापा का चमचा कहीं का। पापा अब सब उगलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ है जरूरत। पापा पापा क्या हुआ हेनरी? हम अभी भी बैठने की अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ मुझे पता है पर यहाँ पर पापा। चलो वहाँ हेनरी। यहाँ नहीं वहाँ। यहाँ आओ। नहीं यहाँ। एक थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुम क्या कर रहे हो? वो खा रहा है। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक जानवर है। हाँ मैं वो भी देख सकता हूँ। दफा हो जाओ गंदे जानवर। जब तक ये सारा खाना नहीं खा लेता ये नहीं जाएगा। अजीब मुसीबत है। छी, तुमने अभी गर्म हवा छोड़ी। अरे यहाँ पर परफेक्ट जगह है पापा। किसी ने यहाँ पर बदबू फैलाई है। क्या वो तुम थे हेनरी? नहीं ये उसने किया है। ओह हेलो, मैं हूँ पीटर। अफ शुरू हो गया ये। और आप? फिनोला। फार्टिंग फिनोला ज्यादा सूट करेगा। हेनरी ऐसी बुरी बातें नहीं करते हैं। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं ऐसा ही हूँ। तुम इस फार्टिंग फिनोला और इस गंदे जानवर को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? यहाँ से बहुत दूर। बाय बनी, शाम को मिलता हूँ। बकवास बनी। चलो हेनरी। चल चल बनी, तू मेरे साथ ही चल। ये है हमारा टाइम कैप्सूल। इसमें पहले कौन कुछ डालना चाहेगा? मार्गरेट? मेरे फुटबॉल शूज, क्योंकि मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हूँ। वेरी गुड मार्गरेट। मेरी सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया। मेरी प्यारी टॉय कार। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड। हेनरी मैं जानती हूँ तुम हर बार की तरह आज भी कुछ नहीं लाए हो। नहीं मिस, मैं कुछ लाया हूँ। थैंक यू हेनरी, चलो अब डालो। इतना मत सोचो हेनरी, चलो मेरे साथ। साथ साथ खड़े खड़े करेंगे हम का नाम है, हम सारे नहीं है।
किसी से कम। बड़ा आया काम करने वाला। इस टाइम कैप्सूल में फ्यूचर के लिए क्या संदेश देना चाहोगे मार्गरेट? चुप रहो हेनरी, चलो अब गड्ढा खोदो। सब अंदर चलो अभी। बारिश बंद होते ही गाड़ देना। डैडी, डैडी। क्या हुआ हेनरी? मुझे अभी पॉकेट मनी मिलेगा प्लीज। हाँ थोड़ी देर में। डैड। अब क्या हुआ? मेरा बनी कहीं नहीं मिल रहा। अब तुमने क्या किया है हेनरी? मैंने? मेरा बनी, मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा, वो चला गया। चुप हो जाओ बेटा, यही कहीं पर होगा। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। हेनरी, तुम जानते हो उसका बनी कहाँ है? नहीं, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेनरी, अगर तुम्हें फिर कभी अपनी पॉकेट मनी चाहिए तो बनी को वापस लाना होगा। क्या? ऊप्स, कुछ तो करना पड़ेगा हेनरी। नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। लगता है किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो तुझे किसने बोला यहाँ खजाना है? ये तो सबको पता है ना बर्ड? ऐसा क्यों? हम अमीर बन जाएंगे। मैं दुनिया के सारे चॉकलेट्स खरीद पाऊंगा। हाँ, मैं भी। ए बर्ड, कुछ निकला क्या? ऐसा क्यों? हेनरी, यहाँ पर कुछ है शायद। मैं तो खुद की गाड़ी भी खरीदूंगा। लगता है कोई टाइम कैप्सूल है। हैं? इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। खजाना भी नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो और भी खोदते हैं। मुझे तो लगता है कोई खजाना था ही नहीं। ये सारे खाली क्यों है? ऐसा क्यों? मैं चला घर। टाइम वेस्ट करने के लिए शुक्रिया हेनरी। हर एक डिब्बा खाली था। मेरा बनी, मुझे दे दो, वो कहाँ होगा बेचारा? शायद उसे किसी एलियन ने किडनैप किया होगा। मुझे मेरा बनी चाहिए। हेनरी, कहीं से भी बनी को ढूंढो वरना।